हाय साले मंडली, मालूम है मेरे को क्या चल रहा है? जो चल रहा है प्रभु श्री रामचंद्र की जय बोल के चलना था, क्योंकि आज हम आपको लेके आए हैं महाराष्ट्र की, भारत की, दुनिया की, यूनिवर्स की सबसे पवित्र जगह पे, जो है नासिक में, जिसका नाम है, ये देखो, तपोवन जिसे कहते हैं। यही वो पवित्र जगह है जहाँ पे प्रभु श्री राम और सीता माता जी यहाँ पे वनवास किए थे, 14 साल तक यहाँ पर रहे थे। और इसे नासिक क्यों कहते हैं, इस नासिक को, वो भी आपको बताऊंगा आगे चल के, वीडियो पूरा देखना। अब ये वाली जगह जो है ये पूरी हम एक्सप्लोर करने वाले कि देखेंगे कि कैसे वो रहते थे यहाँ पर। यहाँ पर देखो उनकी घर जैसा दिख रहा है, झोपड़ी टाइप लग रहा है, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे, सारे सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, जाके देखेंगे। पूरा वीडियो देखना एंड तक और लाइक टप करके दबाओ, प्रभु श्री रामचंद्र की जय बोल के, और कमेंट में लिखो जो आपको लिखना है, जय श्री राम। तो चलो फिर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या सीन है। ओके, तो ये वाला लोकेशन है, वहाँ पे रहते थे प्रभु श्री राम जी। यहाँ पे कुछ लिखा है, जाके पढ़ के, मराठी में लिखा है, अभी हिंदी में तुमको बताता क्या है। मूल जगह पाप पुण्य की बारी। हाँ ओके, तो ये मैं तुमको बताता वीडियो के एंड में कि वो लोकेशन एक्चुअली उस तरफ है जहाँ पे एक किस्सा हुआ था, वो किस्सा आपको एंड में पता चलेगा। फिलहाल ये वाला देख लो लोकेशन कैसा है। ओके, तो दोस्तों यही वाला लोकेशन है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने, हाँ, रावण के बहन का नाक काटा, जिनका नाम शूर्पणखा है ना। हाँ ओके, तो मेरा बहुत ही पुण्य है कि मैं इस लोकेशन पे आ पाया हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही मतलब बड़ी बात है कि नासिक में ऐसी पवित्र जगह पे, मतलब पूरी दुनिया की मई बहुत ही पवित्र जगह ये नासिक, जहाँ पे आपको इतना सारा देखने को मिलता है। तो गुरु श्री राम यहाँ पे रहे थे, लक्ष्मण जी, सीता माता जी यहाँ पे रहे थे। तो यहाँ पर आके बहुत ही सही जगह है, आपको आना चाहिए, यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। नासिक में कभी आएंगे ना तो तपोवन में ज़रूर आना भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल लोकेशन है भाई, मजाक नहीं कर रहा है, यहाँ पर इतना सेटिस्फाई मिलता है, इतना खूबसूरत लग रहा है। बाल मेरे झुरमुरा जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फीलिंग है, जो मतलब रिस्पेक्ट होती है, बहुत ही बढ़िया, एकदम ऑसम, ब्यूटीफुल। और अभी अपन क्या करते, थोड़ा और आगे जाके देखते कि उधर क्या सीन है, उधर क्या सीन है। और वो देखो वहाँ पर ऊपर आपको दिखाई देगा, वाइड एंगल से शायद नहीं दिखा रहेगा, लेकिन वहाँ पे मैं दिखा देता आगे जाके कि वहाँ पर क्या सीन है। वहाँ पर भी एक लोकेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे पानी के झरा जो आ रहा है, ओहो माय गॉड, सो श्री राम जी की जय। तो दिस इज़ द लोकेशन भाऊ, पानी एकदम झुलझुलत बहाते है भाऊ, ये तो आगे नहीं जा सकते अपन, क्योंकि बहुत गुड़गुड़ी थे ये दगड़। तो अभी इधर से ही देख लेते हो पानी, तुमको नॉर्मल कैमरे से देखा, तो वाइड एंगल से घूमने होता है, तो नॉर्मल से देख लो। ओके, तो देख लो भाई, पानी भी नहीं इधर, फुल सही आ रहा है, इतने जाओ है भाई। तो अभी अपना प्लान चल रहा है कि उधर ऊपर जाने का। ऊपर देखो क्या है, ये देखो प्रभु श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का एक बड़ा सा स्टैचू वहाँ पर बना हुआ है। स्टैचू मतलब पूरा एकदम स्टैचू नहीं है, वो स्टैचू जैसा ही। अभी अपन देख रहे हैं कि इधर जाना कैसे, लेकिन देख या लेकिन उधर घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ से कोई रास्ता है नहीं, अगर होगा तो देखते फिर, अभी होगा या नहीं रास्ता है। ओके, तो गाइस हमने अभी जूते पहन लिए, क्योंकि थोड़ा और जाके देखते आगे कि क्या सीन है, जिसके आपने देखा ही है, थोड़ा सा और जाके नज़दीक देखते हैं, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं जाने का अपने को, बस इधर ही लोकेशन एक्सप्लोर करेंगे, बाकी कुछ है नहीं इधर। और यहाँ पर ब्रांडिंग दी गई है, एडवर्टाइजिंग लेवल हार्ड है। और यहाँ पर मेरा साथीदार यहाँ पर बैठा हुआ है, आपको देखना है, देखो दोस्त मेरा साथीदार, मेरा अये ये यो स्टंट विन माते का रे भाई, काय करतोस, मस्त वाटते नहीं तो, अरे एक नंबर वाटते भाऊ, उसको सोने दो, अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अपन सोच रहे थे कि उधर जाए थोड़ा सा, लेकिन उधर कुछ है नहीं, तो और उधर अलाउड भी नहीं है, फिर अभी रिटर्न चलते। अभी अपन उधर से आए थे, इधर से जाके देखते कि क्या सीन है। और देवी और सज्जनों, और एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे उसको, देखिए वो वाला जो लोकेशन है, अंदर कमी हो ओके, जहाँ पे स्टैचू है तो वहाँ पे अपन जाने वाले थे, लेकिन तो वहाँ पे कुछ इतना है नहीं, बस उससे चे, बाकी कुछ नहीं उधर, उस वाले लोकेशन पे जाके देखिए, जिन्हें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बहुत ही पका लिया तुम लोग को,
थोड़ा उधर जाके थोड़ा स्लो मोशन शॉट्स देख लो आप, सिनेमेट्रिक्स देख लो, तो मेरे को इतना जमता नहीं है लेकिन देख लो यार, ऐसा लगा हफ्ते थोड़ा गया था समझन में सिनेमेट्रिक्स दिखा था, मैं भी थोड़ा कर लेता कट करा है चलो First rate on the plane, we were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again. Walking in the streets, lost in new places, a million new faces, diving deeper in the world. Riding on the road, into the unknown. मंडली गाइस एंड पाल्स तो अपन अभी जा रहे हैं अपना सिनेमैटिक बिनेट्रिक, कैसा लगा आपको कमेंट में बताओ जल्दी। और अभी अपन जा रहे हैं उस वाले लोकेशन पे जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बताया था कि उस वाले लोकेशन पे अपन जाने वाले, कि देख जाके देखो आप क्या सीन क्या नहीं। और इस जगह पर फिलहाल अभी करते बाय बाय टाटा राम राम। ओके तो गाइस अपने दर्शन कर लिया अपने मंदिर का, श्री राम जी का, हनुमान जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का। अभी अपन जाते हैं घर पर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक दबा देना, कमेंट में बता देना आपको कैसा लगा ये वाला लोकेशन, यहाँ पे आना मस्ट है। कभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, अगर कुछ बीच में लोकेशन मेरे को मिला अच्छा तो फोटो शूट करूँगा, तो बने रहिए वीडियो में। जय श्री राम। वेरी सच ए वंडरफुल लोकेशन। और मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर देना, इग्नोर करना, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, बस इतना पता था कि यहाँ पे मतलब क्या सीन हुआ था, जो मैंने आपको बताया। ज़्यादा कुछ मेरे को इतना डीपली नॉलेज नहीं था, मैं इतने बिना पढ़ के आया था, मुझे इतना ज़्यादा नहीं था नॉलेज, तो अगर कुछ गलती होगी तो माफ़ कर देना। और फुल डिटेल में नहीं बता पाया शायद आपको मैं वीडियो, तो आप नेट पे से देख सकते हो इन्फॉर्मेशन, लेकिन लोकेशन तो यही है। चलो फिर। और हाँ भाई साहब एक चीज़, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो नासिक सीरीज़ के बहुत सारे वीडियोज़ हमने बनाए हैं, तो वो भी जाके देख लेना। ये वाला वीडियो मैं पहले अपलोड करने वाला हूँ नासिक ट्रैवल ब्लॉग्स के बाद में, पहला दूसरा वीडियो होगा नासिक सीरीज़ का, तो बाद में बहुत सारे वीडियोस आने वाले, तो प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। आप मेरे चैनल पे नाम के सब दब मैंने चैनल नाम रहोगा प्रसाद डेंगे, आप पे दबाओ, फिर उस पर साइड में आओ वीडियो, फिर उसके साइड में आओ प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में देखो आपको मिल जाएंगे ढेर सारे ब्लॉग्स नासिक के, तो वो देख लेना। और तब तक के लिए चिल मारते रहना, श्री राम जी की जय बोलते रहना, और मिलते हैं ऐसा का वो चाय कुट के लिए कट लेगा।
तो देखो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब के बटन को चाबी फेंक के मारो या पानी में डुबकी मार के, घर के पानी में जाओ, बेसिन में जाओ, पानी पीने मुंह भी धो, फिर सब्सक्राइब दबाओ, या कैसे दबाने का वैसे दबाओ यार, दबना नहीं, दब जाना चाहिए सब्सक्राइब का बटन, और लाइक का कमेंट का जल्दी सब्सक्राइब शेयर कर देना वीडियो। और होटलाल का दिखता है चाहे सोडा पी के भी दबा सकते हो सब्सक्राइब का बटन। बाय बाय। अरे भाई तो ओके चलो फिर। अरे भाई था मैं स्क्रीन खराब होती है, सोडा चिचिका खाते। अरे भाई बैक कर।